शहर में निकाली गई भगवान परशुराम की भव्य शोभा यात्रा, समाज के लोगों ने लिया बढ़ चढ़ कर हिस्सा। मैनपुरी शहर में भगवान परशुराम की शोभा यात्रा भव्यता पूर्वक निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में समाज के महिला व पुरुषों ने पहुंचकर शोभा यात्रा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तो वहीं पर राजनीतिक दलों ने भी शोभा यात्रा में पहुंचकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और भगवान परशुराम की बनाई हुई आकृतियों का आशीर्वाद लिया। इस शोभा यात्रा में लगभग 25 मनमोहक झांकियां सजाई गईं, जिनको शहर के सचदेवा पेट्रोल पंप से होते हुए शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए शोभा यात्रा का समापन रामलीला मैदान आगरा रोड पर किया गया। भव्य शोभा यात्रा के आयोजन को लेकर शोभा यात्रा के संयोजक व आयोजकों तथा क्षेत्राधिकारी नगर संतोष कुमार सिंह ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। आज का मेन उद्देश्य है परशुराम यात्रा, तो सदियों से निकलती रही है। भगवान परशुराम का आशीर्वाद तो ब्राह्मणों पे नहीं, सभी जातियों पर लगातार निरंतर रहा है। लेकिन 2012 से जो शुरुआत मैनपुरी जनपद में हुई है, और मैं खुद को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि उस परशुराम जयंती की शुरुआत हमारे द्वारा, हमारे सारे साथी, पूर्व संयोजक हमारे कई मौजूद हैं, वर्तमान संयोजक भी मौजूद हैं, बहुत शानदार यात्रा निकल रही है, दिव्य भव्य यात्रा निकल रही है। और केवल मैनपुरी में नहीं, मैनपुरी इटावा पूरे प्रदेश में अन्य वर्षों की तुलना में 100 गुना उत्साह है, 100 गुना ऊर्जा है। हम यहाँ पर निकल रहे हैं, हम बड़ा दिल लेके हमारे परशुराम जयंती के संयोजक, हमारे छोटे भाई जेएम गिरिजा शंकर, के मिश्रा, आलोक अग्नोत्री, सभी पूरे मनोयोग से लगे हुए हैं। और आप ये उत्साह देख रहे हैं, ये उत्साह साल दर साल हिंदू और तमाम समाज के लोग जो इस शोभा यात्रा में उपस्थित जरूर आहुति देने पहुंचे, सभी को तो धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये भगवान परशुराम जो कि भगवान विष्णु के एकमात्र चिरंजीवी अवतार है, छठवें अवतार के रूप में जन्मे और आज भी इस पृथ्वी पर कहीं ना कहीं विचरण कर रहे हैं। वो हमारे इस उनके जन्मोत्सव में जो हम लोगों ने शोभा यात्रा आयोजित की है उसको वो देख भी रहे हैं, हम लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं। सबको संपन्नता, वैभव, यश, कीर्ति देने वाले एकमात्र भगवान परशुराम की शोभा यात्रा में तमाम लोग इसको, इस जन्मोत्सव को बड़े ही भव्य तरीके से मना रहे हैं, त्यौहार की तरीके से मना रहे हैं। हम देख सकते हैं जगह जगह बाबा के डोले का सत्कार किया जा रहा है, आरती हो रही है, पूजन किया जा रहा है। और हम लोगों को चूंकि समाज ने जिम्मेदारी दी है तो पूरे ही मनोयोग से इसको निर्वहन करते हुए चल रहे हैं। अगर बात की जाए पुलिस प्रशासन की, क्या व्यवस्था है? पुलिस प्रशासन की व्यवस्था है, प्रशासन लगातार सवेरे से ही लगा है। आप देख सकते हैं कि साफ सफाई से लेकर के और तमाम चीजें हैं जो कि पुलिस प्रशासन ने अपनी देखी है। सर, आज इस शहर में परशुराम सेनेट की जयंती निकल रही है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई है? आज शहर में परशुराम जयंती की शोभा यात्रा निकाली जा रही है। यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है और लगभग 25 साक्षियाँ यहाँ पे हैं। ये कोतवाली से स्टार्ट होकर क्षेत्र थाना स्टैंड होते हुए ये जाएगी रामलीला मैदान में। तो हर आगे के साथ पूरी व्यवस्था है और हर बिंदु, हर जो पॉइंट बने हुए हैं वहाँ पे व्यवस्था है। सादे जैसे पूरी लगी हुई है, कोई भी अनोनी नहीं होने पाए और ये यात्रा सकुशल शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो। पुलिस कर्मियों की बात करें तो कितने पुलिस कर्मी लगाए गए होंगे? लगभग 150 पुलिस कर्मी लगाए गए और सादे जैसे भी पुलिस कर्मी हमारे यहाँ पे और कैमरों के साथ हैं। कोई भी बातचीत कर, कोई भी अपराधी जो व्यक्ति दिखाई पड़ेगा उसकी वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी की जा रही है और शांतिपूर्ण तरीके से ये शोभा यात्रा संपन्न हो, ऐसी व्यवस्था की गई है। वधु वेडिंग प्लाजा जो आपके लिए लाया है बेहतरीन डिजाइन्स के कलेक्शन, जहां आपको मिलेंगे डिजाइनर लहंगे, साड़ियां एंड वेस्टर्न आउटफिट्स जैसे पार्टी वेयर साड़ियां एंड ड्रेसेस, कोलकाता की मशहूर डिजाइनर साड़ियां, बनारस की मशहूर बनारसी साड़ियां अब आपके लिए मथुरा में ही उपलब्ध हैं। बस आपको बढ़ाना है एक कदम जो जाता है वधु वेडिंग प्लाजा की तरफ। तो आज ही आए वधु वेडिंग प्लाजा और अपने त्योहार को बनाए और भी खास। वधु वेडिंग प्लाजा, कृष्णा नगर, मथुरा।